हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, हमारे कमेंट में काफ़ी दिन से एक सब्सक्राइबर है जो कमेंट कर रहे हैं, और उनका शिकायत क्या है कि सर, टाटा इंडिका में अल्टरनेटर बेल्ट जो है वो काफ़ी लूज हो गया, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर अल्टरनेटर बेल्ट लूज हो जाता है तो कैसे टाइट करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों देखिए, अब हम कार को मॉडिफाई करने के लिए पूरा सामान खरीद लिए हैं, अब हम कार को मॉडिफाई करेंगे। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब मॉडिफाई जो भी वीडियो आएगा मॉडिफाई पर आएगा, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा इंजन पर वीडियो बन गया है। तो चलिए, अब हम कार को मॉडिफाई भी करेंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अल्टरनेटर जो बेल्ट है उसका लूज होने का क्या कारण है। लूज हो जाता है तो उसमें चिक चिक का आवाज़ आता है, तो आप जैसे मतलब चालू करके गाड़ी आगे बढ़ाएंगे ना, तो वो चिक चिक का आवाज़ आएगा, तो समझिए अल्टरनेटर बेल्ट से आवाज़ आती है। तो चलिए हम चलते हैं इंजन के पास। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम बिल्कुल इंजन के पास आ गए हैं, और यहाँ से आपको बताता हूँ कि अल्टरनेटर बेल्ट जो है वो टाइट कैसे करते हैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि अल्टरनेटर बेल्ट होता कहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा टाइमिंग बेल्ट लगा है यहाँ पर, और इसके नीचे जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेटर बेल्ट लगा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर आपको दिखा रहा हूँ, और ये देख सकते हैं ये जो बेल्ट है ये वाला, ये अल्टरनेटर बेल्ट है। और देखिए ये बेल्ट कटने के बाद चिक चिक की आवाज़ आती है, तो अगर ये बेल्ट कट जाएगी मतलब ख़राब हो जाएगी तो चिक चिक की आवाज़ ज़्यादा करती है। अगर ऐसे चिक चिक की आवाज़ कर रही है तो समझिए लूज है। तो लूज रहने के बावजूद भी मतलब चिक चिक की आवाज़ करती है, अगर आपका बेल्ट लूज भी नहीं है फिर भी चिक चिक की आवाज़ कर रहा है, तो इसमें हल्का सा आप ग्रीस लगा सकते हैं। इसमें आप हल्का से ग्रीस लगाने के बाद चिक चिक जो आवाज़ है वो आना बंद हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी मतलब लूज होने के बाद टाइट कैसे करते हैं। तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी जो कार है उसमें का बेल्ट अल्टरनेटर बेल्ट लूज है या नहीं है। तो चलिए इसको हम दबा के थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मतलब इतना तो दबता है लेकिन ज़्यादा मतलब दब नहीं रहा है, इसको वजह से मतलब समझ लिए मतलब इसलिए नहीं दब रहा है क्योंकि ये बेल्ट जो है ये हमारा बेल्ट टाइट है, इसके वजह से दब नहीं रहा है। अगर ये अंदर के तरफ मतलब दबेगा तो समझिए कि बेल्ट लूज है। तो वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइट कैसे करते हैं। तो टाइट करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, टाइट करने के लिए एक एडजस्टर होता है जो इधर मेरे गाड़ी में थोड़ा लॉक नहीं रहा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, रुकिए। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो अल्टरनेटर बेल्ट है इस पर मैं ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया था, जो आप नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो देखिए, टाइट करने का कोई ज़्यादा मतलब इसमें कठिनाई वाला कोई बात नहीं है, और आप इजीली इसको घर पर ही टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसको टाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अल्टरनेटर जो देख रहे हैं यहाँ से एक नट होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं वो वाला मतलब काफ़ी वो नीचे रहता है, उस नट को खोलेंगे ना, अगर ऐसे पीछे पाए करें मतलब उसको खोलेंगे ना तो समझिए टाइट होगा, और जैसे उसको कसेंगे ना तो वो ढीला होगा। तो आप उसको खोल के थोड़ा सा मतलब उसको केवल खोलिएगा तो वो आपका टाइट होगा, और कसेंगे तो ढीला होगा। तो उसके बाहर की तरफ ऐसे मतलब खोलेंगे ना ऐसे ही टाइप में ऐसे ऐसे खोलेंगे तो समझिए आपका टाइट हो जाएगा। और ज़्यादा टाइट करने के बावजूद भी चिक चिक की कार आवाज़ कर रही है तो समझिए बेल्ट जो है अल्टरनेटर बेल्ट वो ख़राब हो गया है, इसके वजह से चिक चिक की आवाज़ कर रही है।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।